आवाज होगी तो आवाज बिल्कुल सही हुई या नहीं हुई। हम दोस्तों एक बार सही हुई। अच्छा हाँ हूं सही हुई है। जरा पहला तुझे दसी नहीं किसी ने है ना, मैं खुद चेक की तभी आवाज दे कोई गड़बड़ है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने रखना चाहुंदा सी उहनूं मैं दुबारा रिपीट करना चाहुंदा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया अपने, पहला नहीं तीजा क्वेश्चन है, पहला तो हो गया। जिहड़ी पहली गल सी उह मेरी नांगी शायद तुहानूं नहीं समझ लगी होनी पूरी तरीके नाल है ना, क्योंकि आवाज़ दे विच प्रॉब्लम हैगी सी। हाँ हुण आवाज़ आ रही है ना। ठीक है, ओ ठीक है मनप्रीत सिंह जी, मैं तुहाडी गल समझ गया। कहिंदे वी सुणन दी योग्यता वाले बच्चों की गल सुणो, मेरे कोले पहला कमेंट ही नहीं शो हो रही सी तुहाडे, ते हुणी मैनूं पता लग्गिया बाद च, मैं चैक कीता है अपने फोन दे उपर वी आवाज़ दे हुण सैट ना थोड़ा स्पीड सैट कर। हुण आवाज आ रही है तुहाडे कोल? हाँ जी आवाज आ रही है तुहाडे कोल, दसो एट टाइम आवाज तुहाडे कोल सही हैगी है जां नहीं हैगी, दसो एक बार मैनूं। सब तो पहला मेन गल तो यही है, फिर ही आपां क्लास स्टार्ट करांगे। चलो ठीक है, हुण आवाज सही है, हुण आवाज सही है ना। ठीक हाँ हुण सही है, हुण आवाज सही है। चलो मैनू इत्थे ही है, कहिंदे मैनू हैंग होके रहना पैना क्योंकि मैनू, हाँ मैनू पता लग गया भी कोई ना। हाँ मैनू पता लग गया भी रीजन की है ना, मैक दे विच कोई प्रॉब्लम आ रही हैगी है ना, तां करके डेली अपने कोले मतलब 2 दिनों तो ही प्रॉब्लम आई है। चलो कोई गल नहीं, इन फ्यूचर आपां इहनूं बेस्ट कर लांगे, मैक चेंज कर देंगे आपां, कोई रीजन नहीं। ठीक है मैक चेंज कर देंगे, कल तो कोशिश करांगे मैक आपां नवां ले लईए, ठीक है। चलो कोई रीजन नहीं, ये मैक दे विच ही लगदा कोई प्रॉब्लम आई पई हैगी है। चलो इहदा आंसर कर दईए आपां, कहिंदे वी हेठ लिखे विचों कहिड़ा सिखण दे मुख थॉर्नडाइक दे निजमां विचों इक है? राइट आंसर होगा बी, अभ्यास दा निजम। ये थॉर्नडाइक दा निजम है मुख निजमां दे विचों, उन्हें 3 निजम दित्ते सी, अभ्यास दा जां कुछ होर वो तुसीं कमेंट करके दसना हैगे। अगला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते है 4 नंबर, कहिंदे हेठ लिखियां विचों कहिड़ा इक प्रभावशाली सीखण विच रुकावट नहीं है? जीवन नाल जुड़ना, प्रेरणा दी घाट, सीखण दा माहौल, इन्हां विचों कोई नहीं। राइट आंसर हो तुहाडा सी, सीखण दा माहौल, ठीक है। ये प्रभावशाली सीखण विच रुकावट नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते आ गया जी, नेक्स्ट अगला नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर दी केड़ी इकाई गुंझलदार गणना दी समर्था रखती है? मेमोरी स्टोरेज यूनिट, भुगतान कीती गई इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, जां पर्दा इकाई? राइट आंसर की होगा? चलो ये आवाज दी जिहड़ी प्रॉब्लम आ गई सी अज, अज नहीं आई सी, हो सकदा 2 तो 3 दिन पहला भी आई सी।
कोशिश करांगे इन फ्यूचर मैक अपन नवा लावांगे। ये मैंने पता लग गया भी मैक दे विच ही प्रॉब्लम हैगी है ना, नेटवर्क दे विच ना स्टूडेंट की कमी है, किसी की कमी नहीं हैगी, सोरा मैक दे विच ही ज्यादा प्रॉब्लम आई हैगी है ना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे सी, मतलब कमेंट कर रहे सी, मैं देख नहीं रहे थोड़े कमेंट, ठीक है उस लिए मैं माफी चाहना। ठीक है अगला क्वेश्चन तारी स्क्रीन पे आ गया सी, इधर केंद्रीय प्रशासन यूनिट आऊगा ठीक है, गुंझलदार गणना सीपीयू च होंगी है, सीपीयू नु बोलते हैं केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इधर राइट आंसर सी आऊगा, गुंझलदार चीजा कितने होंगे दिमाग के विच ही होंगे ने, ते कंप्यूटर का दिमाग होंगे केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट जिन्होंने असं सीपीयू कहने हैं। अगला कहते भी एक अध्यापक सिखलाई समग्री संबंधित गतिविधियां सहायता नहीं है, केड़ी कहते भी एक अध्यापन सिखलाई समग्री नाल संबंधित गतिविधि सहायता नहीं है, राइट आंसर ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, ड्रामा नाटक प्रदर्शन या खेतरी यात्रा, अध्यापक नाल गल की है भी अध्यापक नाल नहीं हैगी, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तुहाडी स्क्रीन ते आ गया, इहदा आंसर करो की है, क्वेश्चन नंबर 7 दा आंसर कहने भी क्लासरूम विच संचार दी वरतों दियां किस्मां हन, मौखिक परस्पर क्रिया, गैर मौखिक परस्पर प्रभाव, जो दोवें ही सही होणगे जां इन्हां विचों कोई, क्लास विच संचार दियां किस्मां की हो सकदियां, बच्चे नाल संचार करना है, स्टूडेंट नाल असीं कम्युनिकेशन करनी है, राइट आंसर की होगा 7 दा, क्वेश्चन नंबर 7 दा आंसर करो, तुहाडी स्क्रीन ते आ गया 7 नंबर, क्वेश्चन 7 का आंसर की होएगा। हाँ जी SST की क्लास होंगी और शायद मतलब नहीं होनी क्योंकि उसका टाइम ही जिवें कहिंदे वी टप चुके है, ज्योति करे गगन करे हैगे आ, गुरप्रीत करे है, सी करने की कोशिश कर रहे, 7 का आंसर जिन्हें आ गया तो सुगा सी, दोवें होणगे मौखिक परस्पर ते गैर मौखिक परस्पर, कम्युनिकेशन करनी है संचार करना क्लासरूम ठीक है, दोनों तरीके हो सकते हैं। अगला हदायतों के लिए सिस्टम पहुंच है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करो, तुहाडी स्क्रीन पे आ गया 8 का आंसर की होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर की है, हदायतों के लिए सिस्टम पहुंच है, अध्यापक केंद्रित तो, बाल केंद्रित तो, क्लासरूम फोकस या समस्या केंद्र, आठ आंसर बहुत सारे सी करने की कोशिश कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, चलो इनका आंसर आ गया डी, समस्या केंद्र होगा, हदायतों की सिस्टम पहुंच की समस्या केंद्र, हाँ बिल्कुल डी आंसर होगा। अगला सीखने के समूह तरीकों की एक उदाहरण है, बैंस विधि, सेमिनार विधि, वर्कशॉप विधि, या ये सारे सीखने के समूह तरीकों की एक उदाहरण है, इहदा मतलब भी समूह में सीखने की एक उदाहरण चो कि होगी, जल्दी आंसर करो तुहाडी स्क्रीन ते आ गई, नौ दा आंसर करना, सीरियल नंबर पा के आंसर करना, बहुत सारे डी आंसर करने हैं, बिल्कुल सही है, वर्कशॉप बैंस विधि सेमिनार सारे, क्योंकि सेमिनार एक बंदा कर नहीं सकता, बहुत सारे बंदे होंगे, सीखने के समूह तरीकों की उदाहरण, बिल्कुल सही है ना, डी आंसर आ गया बिल्कुल सही है। अगला समाज आयोजन के संबंध में हेठ लिखा विचों केड़ा सही नहीं है, क्वेश्चन 10 का आंसर करो जल्द, हाँ 9 का आंसर जिन्ना है डी बिल्कुल सही सी, पिछले का ज्योति कौर गगन
हरजिंदर कौर, रमन मरहार, गुरप्रीत, बीना, करमजीत कौर, ज्योति। ज्योति ने अगेन आंसर अच्छा 10 का किया, हूँ 10 आ गया आंसर, ठीक है। 10 आंसर ज्योति ने सी किया, सुख ने किया डी, मनप्रीत सिंह ने किया, बीना ने किया डी, राजू अमन ने बी किया हैगा, परमवीर कौर ने सी किया हैगा, चलो राजबिंद कौर ने डी किया हैगा, गुरप्रीत कौर ने डी किया हैगा, कमल सेखों ने सी किया हैगा, चलो वीरपाल कौर ने डी किया हैगा, करमजीत कौर ने भी डी किया है, गगन गगन ने भी ही सी किया हैगा, गुरप्रीत कौर चहल ने, हाँ बिल्कुल, वो सर डी आंसर करने की कोशिश करे, आंसर होगा थोड़ा सी। एक निरंतर प्रक्रिया है, समाज उनके संबंध में जो हेडिंग है जो सही नहीं है, सही जरा समाज योजना है, एडजस्टमेंट है, वो कहते एक संतुलन प्रदान करता है, वो एक समस्या का हल करता है, बिल्कुल सही है, वो एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, ये गल गलत होगी, गलत पूछा सी इन्होंने, समाज योजना की अणहोंद व्यक्ति तनाव क्लेश से चिंतावान घिर जाता है, बिल्कुल सही है, असी एडजस्टमेंट नहीं करांगे, मान लो हुण मैं तुहानूं दस्सदा वी समाज उन है कि इहदी एग्जाम्पल देना तुहानूं, अज मैं देना नहीं चाहुंदा सी पर क्योंकि अपने कोल टाइम दी अज कोई कमी सी, एडजस्टमेंट की हैगी आ इहदी, मान लो तुहानूं कोई ना क्रिटिकल अचानक ही तुहानूं ना कोई समस्या आ गई, अचानक समस्या आ गई, तुहाडे कोले पैसिआं दी कमी हो गई, तुहानूं 1,000 रुपए की लोड़ है, तुहाडी जेब च 100 रुपए है, ठीक है, ता तुसी एडजस्टमेंट करनी है, 100 की जगह 900 रुपया तुहाडे कोले है नहीं, तो कित्थों लैके आओगे, फिर की करोगे, फिर तुसी समाज योजन करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, यही चीज सी दे मतलब है ना, ये कहते भी नहीं नहीं पूछे ने, कहते भी ये एक निरंतर प्रक्रिया, ओ यार निरंतर प्रक्रिया थोड़ी हैगी है, भी हमेशा ही एडजस्टमेंट थोड़ी होंगी है, सारी उम्र एडजस्टमेंट कितने होंगी है, नहीं होंगी, एडजस्टमेंट करने की लोड़ कदे कदाई होंगी है, समाज योजन करने की लोड़ कदे कदाई होंगी है, सारी उम्र ही एडजस्टमेंट करूंगा जोड़ा बंदा, तो कोई तुम 31 जने पास कर रहे हो, तो कोई अजिहा है भी सारी उम्र ही एडजस्टमेंट करी आओगे, कि तुहाडे कोले जेब च 1,000 रुपया होंगे नहीं हमेशा, एग्जाम्पल दी है मैं थोनों, अज नहीं होगा कल नहीं हो परसों नहीं हो चौथे नहीं होगा, कदे तो 1,000 रुपया थोड़ी जेब च होगा, 1,000 साठ थोड़ी जेब च लख भी हो सकता, यही इस क्वेश्चन का रीजन सी। अगला नेक्स्ट आ गया 11, कहते भी सिक्ख्या को प्रभावित करने वाले कारकों विचों एक है थकावट, समाजिक वातावरण, इन्हें विचों कोई नहीं, मानसिक पद्धर, सीखने को प्रभावित करने वाले वातावरण, वातावरण का शब्द आ गया इतने, आंसर की होगा हाँ जी इंदरजीत जी, नहीं तो पूछा सी मैं उन, मैनू भी पता लग भी नहीं पूछा सी, पर जिहड़ी मैं तुहानूं गल समझाई है वह समझो, मैं भी सुन रहा सी आंसर सही हैगा सी, जिहड़ा भी आंसर हैगा सी वह तुहाडे कोल टिक करता, भी वह सही क्यों सी उहदा मैं तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती है, उहदा तुहानूं एक्सप्लेन किया, 11 आंसर बहुत सारे बी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही है तुहाडा बी, समाजिक वातावरण, क्योंकि वातावरण की गल होती तो वातावरण ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12, 12 से कहते भी मानसिक तौर पे सेहतमंद व्यक्ति की विशेषता हेठ लिखे में जो केड़ी है, सहनशीलता, भावनात्मक तौर पे परिपक्वता होगी उसके अंदर, आत्मविश्वास होगा, ये सारे होंगे, कितना सोहना क्वेश्चन है, तो हुण ये क्वेश्चन वो करनगे ते जेड़े जेड़े स्टूडेंट मतलब भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते है ना, काफी काफी डूंगिया एग्जाम्पल चली जाने कई बार, पर 12 का आंसर करो की है, मानसिक तौर पर सेहतमंद का की मतलब है, मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल किवें देवां, एग्जाम्पल चलो देन जा रहा मैं तुम्हें, ये एक मानसिक तौर पर सेहतमंद आ बैठा है, आ बैठा है, आ बैठा है, आ बहुत भद्दी नजर है, ये दो अखा लाती हैं, इतने लाती हैं अखा,
बहुत डरावना जहा बंदा है मानसिक तौर ते, कहिंदा पूरा सेहतमंद आ बंदा, इहदे तीर लाता मैं तीर, आ बंदा बैठा ये मानसिक तौर ते पूरा सेहतमंद बंदा है। इधरों ना इधरों ये बंदा आपदी ना वह तो जा रहा है, आपदी सैड ते जा रहा है, इधरों ट्रक आ गया, ट्रक वाले ने लिया के बिच मारे आ बंदे दे। ये बंदा जे तो उन्होंने कुटन लग गया ट्रक वाले ला के थलों, ओदा मतलब भी ट्रक वाले दे ये बंदे को चाहे गड़ासा चाहे पिस्तौल आ चाहे बंदूक है, ये गोली मारी जा सीधा वो ट्रक वाले दे जाके कहने भी गड़ासा मारिया। फिर तो ये बंदा मानसिक तौर पर मेंटल है, जे ये बंदे ने सोचा भी ट्रक वाले ने मारा तो मारिया कोई गल नहीं, कोई ना देख लांगे कि केस कर दांगे जज को ले जांगे, ठीक है जे को जे मेरे तो पिस्तौल की गोली बजी तो बजी क्यों, ठीक है। ये बंदे ने उस ट्रक वाले बंदे ने कुछ भी नहीं कहा भी चल ठीक है जड़ा कुछ हो गया तो हो गया। यही मतलब है भी इन्हें सहन कर लिया, ये भावनात्मक तौर पर परिपक्व है, ये को आत्मविश्वास है, राइट आंसर होगा डी सारे होगा। मानसिक तौर पर सेहतमंद बंदा वो होंगे जो सारिया गल समझ सकता है। चलो नेक्स्ट आ गया 13, कहिंदे रचनावाद दे संदर्भ विच किहड़ा कथन गलत है, गलत पुछे रचनावाद दे विच कंस्ट्रक्टिविज़ दे विच किहड़ी चीज गलत है। हाँ क्लास आही करांगे, SST जिहड़ी क्लास आपां पाई सी ना अज 9 बजे पाई सी, क्योंकि 9 तो टाइम 9:17 हो गए, वो क्लास नहीं करांगे, कल नूं संडे है, संडे नूं कल नूं SST वालों का आपां सारा जिम कहिंदे भी वो कोड कढ देना है भी SST वालों सारा दा भांगा टोटा कल नूं कढ देना है, कल नूं घट्टो घट 50 क्वेश्चनां दी क्लास ला लांगे, इक ही लावांगे कल नूं 50 क्वेश्चन दी क्लास ला लांगे। जे जे SST वाले अज वेट कर रहे सी ना तो उन्हों का आप कल जिम्मे कहते होंगे भी उन्हों का हिसाब किताब पूरा कर देंगे, अज की क्लास वो कैंसल होगी SST की मेनू अकॉर्डिंग, डे टाइम आप 50 क्वेश्चन की क्लास करा, अज तो वैसे 15 ही करवानी सी पर कल 50 कर लेंगे। चलो जी 13 आंसर जिन्हें आ गया बिल्कुल सही है ए, ज्ञान दे संचार लाजमी तौर पर अध्यापक द्वारा किया जाता है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट, क्लास विच आपसी तालमेल तो की निकलना चाहिदा है, 14 आंसर की होगा जल्दी, हाँ बिल्कुल 14 आंसर करो जल्दी, क्लास विच आपसी तालमेल तो की निकलना चाहिदा है, विवाद जानकारी विचार जां दलील। अपनी वीडियो रीफ्रेश करो तो रीफ्रेश करके अगे चले जाओ। हाँ 14 आंसर बहुत सारे डी करने की कोशिश करे, बीना आ गया आंसर, परमबीर का आंसर आ गया, मनप्रीत सिंह का आंसर आ गया, नवप्रीत कौर का आंसर आ गया, सी आंसर करने की बहुत सारी कोशिश करे। टाइम दसो सर जी, कल की क्लास, कल की क्लास का मनजीत चहल जी टाइम टाइम बस दोपहर मान लो यार, दोपहर के क्लास लावे, मैं दोपहरे लावे पूरा सिखर दोपहर, जो पूरा सूर चढ़िया होगा उदो लावे। तो एक राती ना गल कही सू कल, मैं वो पंजाबी वाले कही सी, चलो थोड़े नाल डिस्कस नहीं करते हो ता ही वो हम गल कही भी कल भी दोपहरे वेले क्लास लावे, हूँ बहुत सारे स्टूडेंट सोचने भी दोपहरे क्लास लागे सर, है ना भी दोपहर सूर चढ़िया हो सकता कल बदलवाई हो सकता कल पूरी ठंड पैंती हुई दोपहरे, कल दोपहर कितों आजू, दोपहर का मतलब होंगे भी सूर चढ़ा होंगे धुप तो सिर ते होंगी उन्होंने दोपहर कहने होंगे। तो कल मैं राती चलो हम इस गल दस ना, एक पंजाबी वाले अपने स्टूडेंट है पंजाबी की आप क्लास करवाने 5 बजे, 5 बजे कराने, उन्हें किसी भी स्टूडेंट ने माइंड च गल ही नहीं आई भी मैं कहना की पाया, उन्होंने मैं कहा भी भाई उन्होंने 27 क्वेश्चन दिते थे पंजाबी के, महा 27 चो 27 करो, ठीक है 27 चो 27 महा जिन्हें करते उन्होंने फ्री पढ़ावे, उन्होंने फ्री पढ़ाने का मौका देवे अपने चैनल के उपर, वो किसी भी स्टूडेंट के माइंड च गल नहीं है भी सर कहना की पाया। मैं हूँ सोनू दस रहा है मेरे गल याद आ गई पर उन्होंने को मैं गल डिस्कस नहीं की भी फ्री पढ़ाने का मौका
दिमाग लाओ भी फ्री पढ़ाने का मौका। जे तो मैं उन्होंने यह कहना भी भाई सोनू एक क्लास अपने चैनल पर करोगे तो 500 दूंगा 1000 दूंगा इदा दूंगा, पर वो किसी ने भी ए नहीं सोचा भी यह सर कहना की पिया भी फ्री पढ़ाने का मौका। किसी भी स्टूडेंट के माइंड च नहीं वो गल आई भी यार पता नहीं की सर ने बोलिया जा की नहीं बोलिया। ठीक है चलो फिर मैं उसते उन्होंने डिस्कस भी नहीं की, महा चलो नहीं समझे तो ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करने आप 14 ते आ गए आप 14 आंसर करो। कहते भी क्लास में आपसी तालमेल तो की निकलना चाहिए है विवाद, राइट आंसर आ गया बिल्कुल सी आ गया विचार निकलना चाहिए है विचार सी आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया थोड़ी स्क्रीन पे 15 कहते भी एक विद्यार्थी की स्कूल की प्राप्ति इस पर निर्भर करती है, एक विद्यार्थी की जी स्कूल की असीवमेंट है प्राप्ति है वो डिपेंड करती है किस चीज पर। क्वेश्चन 15 का आंसर करो जल्दी खिंचो थोड़ी स्क्रीन दे 15 का। हाँ जी 15 का आंसर करो की है एक आंधी कोशिश सुख कौर को है मनप्रीत सिंह है बीरपाल कौर है गगन करे गगनदीप 15 का ए कर है गया जसविंदर कौर कौर डबल वारी कौर लिखे चलो कोई गल नहीं गुरप्रीत कौर जीके वाले कर रहे है राजबिंदर कौर 15 का ए कर है राइट आंसर ए बिल्कुल सही है। एक विद्यार्थी की स्कूल प्राप्ति इस पर निर्भर करती है स्वै संकल्प। स्वै संकल्प का मतलब की है समझ गए तुसी सैल्फ कंसैप्ट होंगे इंग्लिश दे विच बुद्धि इंटैलीजेंसी दिलचस्पी दिलचस्पी इंट्रस्ट होंगे रुचि होंगी है पंजाबी च कहिए पंजाबी च रुचि या इंट्रस्ट कह पंजाबी च रुचि या दिलचस्पी कहते हैं इंग्लिश इंट्रस्ट कह सकते हैं प्रेरणा मोटिवेशन होंगी है इंग्लिश दे विच। ठीक है राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही है। अगला बुद्धि के दो कारक सिद्धांत द्वारा दिता गया दो कारक सिद्धांत किने दिता जे कोई स्टूडेंट आ क्वेश्चन गलत करता है तो वह फिर पी एस टट या सी टट पास करना उसके हक की गल नहीं हैगी मतलब भी कहते भी पहुँच की गल नहीं हक की गल नहीं पहुँच की गल नहीं वो पास नहीं करूगा। 16 आंसर की है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की गल किसने की है मैक्सिमम स्टूडेंट डी करे है बिल्कुल सी आंसर आना चाहिए डी स्फीयर मैन दो कार की सिद्धांत दिता ते उन्हें केड़िया बुद्धियां दित्तियां दो ये भी दसो थोड़ा जा ये भी चेक कर लिए भी ये भी पता है सानू बिल्कुल चौथी कहनी जी एस जी ते एस फैक्टर जनरल ते स्पेसिफिक आम ते खास बुद्धि की गल की उन्हें प्योर पंजाबी च कही कि ने स्फीयर मैन ने। ठीक है स्फीयर मैन ने बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। अगला नेक्स्ट आ गया संचार दा काम है जानकारी दा आदान प्रदान करना सिक्ख्या ते सिखलाई प्रेरणा या उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर की है सोलह से आ गए आप 16 का आंसर करना एक स्टूडेंट है गया गगन गगन तुसी कितना का आंसर कर रहे हो 17 का आंसर कर रहे हो 17 का आंसर नहीं करना आप 16 का आंसर कर रहे हैं एट अ टाइम। ठीक है बीरपाल कौर डी कर रहे हैं ऑल ऑफ अवब अच्छा गगन ने दोबारा आंसर किया 16 डी ओके 16 ऑल ऑफ अवब राइट आंसर बिल्कुल सही है थोड़ा डी ऑल ऑफ अवब होगा डी। अगला क्लासरूम टीचिंग होनी चाहिए है तेज इंटरेक्टिव सरल एक पासड़
क्लासरूम टीचिंग किस तरह की होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए है, इंटरएक्टिव होनी चाहिए है, या सरल या एक पासर। 17 आंसर बहुत सारे करने की कोशिश करे या नहीं करे। सी बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, बी होगा इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब आकर्षिक, मोह वाली होनी चाहिए, क्लासरूम टीचिंग का मतलब भी आकर्षित होनी चाहिए। पर मेरी अज क्लास आकर्षित आकर्षित नहीं हैगी तोड़े वास्ते, मैनू खुद नू पता लग रहा है। ठीक है, जे आकर्षित होंगी तो हूँ नू काफी स्टूडेंट जुड़े होंगे। ठीक है, अज मैं खुद तोड़े वास्ते क्लास नू आकर्षित नहीं कर सकिया, सोदली मैं माफी चाहना। अगला 18 नंबर कहते, किशोर लड़कियां दे संदर्भ विच सब तो वधिया समूह चुनो। तर्कशीलता, अमूर्त सोच या फैसला लैण की शक्ति, आदर्शवादी, वधिया विवस्था या स्वैमान, निरीक्षण, बगावत, दुरहाउण की प्रवृत्ति, दर्शन, स्वै योजन या समाज सेवा की भावना। राइट आंसर की होगा? हाँ शुक्र कहते लेट हो गई क्लास ता करके मैं भी, बिल्कुल तुहाडी गल सही, उहदा भी कोई कारण सी, तां उहदा कारण इह सी वी मेरी पहली तां इही सिस्टम सी, चलो 8:30 बाद क्लास पाई सी, मैं सोचा सी चलो ठीक है क्लास स्टार्ट कर ली, फिर मैं क्लास स्टार्ट करन तों पहलां सोचा चलो चलो क्लास स्टार्ट करने तो पहला 8:30 तो पहला खाना खाना स्टार्ट करता मैं, फिर खाना खाते खाते मैं क्लास पाती सी 8:45 की, मैं हले खाना खा रहा सी 8:45 तो टाइम ऊपर चला गया, फिर मैं सोचा क्लास कल नू कर लांगे, पर उस तो एक मिनट च होर गल आई, मैं नहीं क्लास हुण 8:45 दी पा दी, चलो खाना खा लीए, खाते खाते आप क्लास स्टार्ट कर देंगे, फिर 8:48 के लगभग आप शायद मतलब क्लास स्टार्ट कर सी दोबारा। ठीक है, ਉਹੀ ਆਹੀ ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ SST ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 9:27 ਤਾਂ SCDP ਦੀ ਕਲਾਸ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਏ ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਮੂਰਤ ਸੋਚ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 115 ਪਲੱਸ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਟਸ ਓਕੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਗੋ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 115 ਪਲੱਸ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੈ ਇਹ 1700 ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ? 28 ਤਰੀਕ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਪਹਿਲੇ 30 ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੇ ਇਹ ਆਫਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 400 ਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੋਰਸ ਆਪਣਾ 999 ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ 800 ਚ ਮਿਲੂਗਾ। 200 ਤੇ ਇਹਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਤੇ 300 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ MSW ਸਟੱਡੀ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੂਪਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ SST ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ज्यादा क्वेश्चन थे। चलो किसी की कोई लास्ट क्वेरी है या कोई लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहे? कोई लास्ट क्वेरी क्वेश्चन है?
चलो ठीक है जी, ओके, गुड नाइट जी। गगन, प्रभजीत, मावी, परमजीत कौर, जसविंदर कौर, ठीक है। किसका कोई लास्ट क्वेश्चन है? लास्ट क्वेरी है कि एग्जाम अकॉर्डिंग कोई सी टेट किन्ना किन्ना ने भर दिता है वो दस दो एक बार। सी टेट जिन्होंने भरिया तो उन्होंने लिए बहुत फायदेमंद होगा। जेकर पी स्टेट की तैयारी करना चाहते हो तो सी टेट जरूर अप्लाई कर दो, ठीक है। जेकर हले डेट रही है, मतलब टप गई डेट शायद मेरे अकॉर्डिंग था, पर जिन्होंने करता ठीक है, गुड है। लास्ट सेशन थोड़ा कोई है, लास्ट कोई क्वेरी है? बस एक दो सेकंड लवेंगे। अच्छा 27 लास्ट है, ठीक है। मनप्रीत सिंह ने 27 लास्ट है, फिर तो पैया टाइम थोड़े को। सी चैट जिन्होंने नहीं भरया अप्लाई जरूर करो, क्योंकि जे सी चैट अप्लाई अप्लाई करोगे ना उन्होंने तुम्हें पी स्टेट से बहुत बड़ा फायदा होने वाला। चलो सुखरगंज सर, दिसंबर से नोटिफिकेशन आने की चांस है पी स्टेट की, तैयारी करो जी, नोटिफिकेशन अपने आप आ जाऊगा। सब तो पहला तैयारी की गल है मेन जो। चलो ओके जी, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।